दोस्तों यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबा लें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज जिस भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं वो निकली है यूपी पुलिस में। इसकी पहले मैं दो वैकेंसीज की जानकारी आपको दे चुका हूँ, फायरमैन और जेल वार्डर की भर्ती निकली है, उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। और इसके बाद ये तीसरी वैकेंसीज है आरक्षी घुड़सवार पुलिस के लिए, 102 वैकेंसीज निकली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 से 22 वर्ष है। सिलेक्शन इसमें रिटर्न एग्जाम PST PET के माध्यम से होगा। पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है, हम आपको बताएंगे कि कैसे डाउनलोड कर सकते हो और कैसे इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट भर्ती की पूरी जानकारी। 12वीं पास कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाए गए हैं आरक्षी घुड़सवार पुलिस के लिए, टोटल 102 वैकेंसीज निकली है। यहाँ पर देख सकते हो आप, हमने नोटिस अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती है। 30 सितंबर को ये नोटिस जारी हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती के अंतर्गत खाली पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र शीघ्र आमंत्रित किए जाएंगे। यहाँ पर आप वैकेंसी की जानकारी देख सकते हो, अनारक्षित के लिए 51 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 28, अनुसूचित जाति के लिए 21 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, टोटल 102 वैकेंसीज है। ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी शीघ्र ही बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों आप हमारे इस पेज को भी बुकमार्क कर सकते हो और जब भी इसकी लेटेस्ट न्यूज आएगी तो हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। आवेदन शुल्क भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ₹400 आपको आवेदन शुल्क जमा करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा या ऑफलाइन ई चालान का उपयोग करके जमा कर सकते हो। उसके बाद एज देख सकते हो, अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2018 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ने की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1996 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है या इसके बराबर पास होना अनिवार्य है। भर्ती प्रक्रिया आप यहाँ पर देख सकते हो, लिखित परीक्षा, दस्तावेजों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण और चयन तथा अंतिम योग्यता सूची के चरण होंगे। उसके बाद अभ्यर्थी के शारीरिक मानक नियम यहाँ पर देख सकते हो, ऊंचाई देख सकते हो, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 168 सेंटीमीटर है, अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना भी देख सकते हैं, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर, 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाने के बाद अंतर होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना भी दी गई है, इसको भी आप रीड कर सकते हो। जो बाकी की जानकारी है आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हो। दोस्तों हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस पेज पर पहुंचने के बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन की टैब पर क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई ऑनलाइन की टैब पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ का ये ऑनलाइन पोर्टल है। यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन है, इस लिंक पर क्लिक करके आप इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो जब रिलीज होगी तब। और ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस का भी सेक्शन दिया हुआ है, अगर आपने इस पर पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो कैंडिडेट लॉगिन की टैब पर क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करके पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और बाद में ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। तो दोस्तों इसकी डेट और डिटेल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जल्दी जारी हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप डेली चेक कर सकते हो और हमारी वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस जॉब पर अप्लाई नहीं करना चाहते हो उसके लिए आपको डेली 4 गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक पर विजिट करके डेली 4 जॉब्स देख सकते हो और अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो।